करने के बाद में दूसरों को कैसे सिखाना है वैसे उन्हें अनुभव करके हमारे बीच में ये ब्रदर जी आ गया है। सबसे पहले हम ईश्वर को धन्यवाद दे। प्यारे ब्रदर जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने ये चार दिन में हमको कैसे व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा का, विशेष करके पवित्र आत्मा का अनुभव कैसे करना है हमको सिखा रहे हैं। जो छोटे बच्चे जो फूल दारा दे उनको जो धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। देखिए ये ब्रदर जी हमारे लिए क्या सिखा रहे थे करके हमने अभी देख रहे थे। आप लोगों के बीच में जो इधर एक ही जगह पर नहीं है, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे जगह पर इन्हें 40 दिन उपवास प्रार्थना करके ईश्वर का वजन हमेशा देते रहता है, पवित्र आत्मा का अनुभव से भरपूर हो जाता है। इसलिए हम बच्चों को भी, ईश्वर का बेटा बेटियों को भी ईश्वर ने जो इनको भेज रहे, दूध लाके भेज रहे, तुम भी ऐसे सीखो, आप भी सीखो। दे मेरे मैसेंजर को, मेरा दूध को मैं भेज रहे गे, तुम नहीं सीखेगा तो तुमको दंड मिल जाएगा करके वजन हमको सिखा रहे गे। इसलिए हमको हमारा भाई, हमारा पप्पा जैसे आपको पिता ईश्वर हमारा पप्पा है, पप्पा जैसे हमको जो सिखा रहे गे, जो सीख रहे गे, सीखने के लिए हमको आज का दिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ा का दिन दिया है। क्यों, कितना लोग पवित्र आत्मा का अनुभव किया है ईश्वर को मालूम है। इसलिए मैं जो ब्रदर जी को ये चार दिन नहीं, एक महीना का पहले हफ्ता में हमारा बिशप जी, फादर लोग, सिस्टर लोग के लिए एक हफ्ता उन्हें उनका जीवन का ताकत सब समय सब उपयोग किया। उसके बाद में जो ब्रदर लोगों के लिए उन्हें कैटिगरी लोगों के लिए जो एक हफ्ता उपयोग किया, दो हफ्ता हो गया। तीसरा दिन सेमिनारियंस हमारे कैंडिडेट सिस्टर्स बनने के लिए सीख रहे थे उन्हीं लोगों के लिए उनका समय सब पूरा किया। 14 हफ्ता में ये अभी हम लोगों के लिए जो हमारा आपका समय, उनका समय सब उपयोग करके ईश्वरीय अनुभव कैसे करना है हमको सिखा दिया है। इसलिए मैं ब्रदर जी को सारे दिल से मैं हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद देती हूँ। और बहुत सारा और बात बोलने के लिए है जो हमारा दिल का, पूरा दिल का प्यास सब कुछ हमने जो ईश्वरीय अनुभव से इन दिनों में सीखा है। या और मैंने धन्यवाद बोलने के लिए इसका पीछे बहुत बड़ा एक हाथ है। वो एक हमारा डायरेक्टर, हमारा राफेल फादर, जो मैं आप लोगों का सारे दिल से जो धन्यवाद देने के लिए अयोग्य नहीं हूँ, क्योंकि फादर के जीवन में मैं इधर आके मैं 2 साल हो गया, फादर आके 8 महीना हो गया। उनका जीवन में बहुत सारा अनुभव उनको है, जो कि पहले फादर लोग ने इधर करवाने कोरोना के बाद में इधर कुछ प्रोग्राम नहीं चल रहे थे, फिर सितंबर में शुरू किया। धीरे धीरे हमारा राफेल फादर आने के बाद में हमारा वो बिल्डिंग का देखने का जगह पूरा हर महीना में भरने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे। फिर उसके बाद में ये हॉल में इतना लोग बैठने के लिए भी इनके पीछे इनका हाथ, इनका त्याग, वो 3 दिन उपवास कर रहे, 24 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, जो प्रार्थित कर रहे हैं आपका आत्मा शुद्ध होने के लिए। इसलिए मैं सारे दिल से ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, आप लोग अनुभव कर रहे हैं, अनुभव और करते रहेगा। मैं सारे दिल से फादर जी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर आप लोग हर एक जन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, आप लोग जो ईश्वर ने बुलाया, जो पिता परमेश्वर ने आपको बुलाया, पिता परमेश्वर से आवाज़ नहीं सुनेगा कोई इस सेंटर पर नहीं आ पाएगा। इसलिए पिता ईश्वर को मैं सारे दिल से आप लोगों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारा पैरिश का हर एक हमारा फादर लोगों के लिए जो कोई ने मेहनत किया आप लोगों को इधर भेजने के लिए, सभी के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता ईश्वर को एक बार भी हम धन्यवाद के रूप में हमारा दिल समर्पित कर रहे हैं।
हालेलुया हालेलुया। ये देखो हमारा सारा टीम इधर है, इन लोगों को बिना